आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के फाउंडर अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में बीते 39 दिनों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे, जहां उन्हें आज शुक्रवार 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक जमानत पर रिहा किया तो 2 जून को हर हाल में अपने आप को सरेंडर करने को कहा है। जेल से बाहर आते ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल एक बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।